لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन द अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह ताला की मोहब्बत के ज़मीन में एक और हदीस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके रावी हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए खुद सुना कि आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार से सिर्फ मोमिन मोहब्बत करता है, यानी अंसार से, क्योंकि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजरीन की और फिर और सहाबा की बहुत मदद की है। लफ्ज़ अंसार का मतलब ही मदद करने वाला है, तो इसलिए फरमाया قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن, कि जो मोमिन होगा वो अंसार से मोहब्बत करेगा। ولا يبغضهم الا منافق, और उनसे बुग्ज सिर्फ मुनाफिक रखता है। और मजीद बरा फरमाया فمن احبهم احبه الله, और जो इनसे मोहब्बत रखे इससे अल्लाह ने मोहब्बत रखी, और जो इनसे बुग्ज रखे व मन अब गदा हूं, जो इनसे बुग्ज रखे अब गदाहुल्लाह, उससे अल्लाह ने बुग्ज रखा। यानी आप इससे अंदाजा करें कि अंसार से जो मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और वो उसके ईमान की दलालत भी है, दलील भी है। और जो अंसार से बुग्ज रखता है वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक की निशानी है अंसार से बुग्ज़ रखना, और ऐसे शख्स से फिर अल्लाह भी बुग्ज़ रखता है। और ये हदीस जो है ना, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इसे इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया। दर्जा सही की रिवायत इमाम बुखारी इसको सही में रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 3572। इमाम मुस्लिम भी इसको सही में रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 75। इसके अलावा इमाम अहमद इब्न हम्बल इसको अल मुस्नद में रिवायत करते हैं, हदीस 18599। फिर इसको फ़दाइलुस सहाबा में भी के बाब में भी इसको लेकर आते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल। अच्छा, फिर उसके बाद इमाम तिरमिज़ी इसको सुनन में रिवायत करते हैं किताबुल मनाकिब में, और फिर बाब फी फ़ज़्लिल अंसारी व कुरैश, इसमें हदीस नंबर 3900। फिर इब्न माजा भी इसको सुनन में रिवायत करते हैं, फिर इसको इब्ने मुंदा अल ईमान में रिवायत करते हैं, इब्ने अबी शैबा इसको अल मुसन्नफ़ में रिवायत करते हैं, इमाम तबरानी इसको अल मुअज्जमुल औसत में लाते हैं, इमाम बैहक़ी शौबुल ईमान में लाते हैं, इमाम मरूज़ी इसको तज़ीम क़द्रुस सलाह में लाते हैं। तो बहरहाल कई कुतुब हदीस में आती है, सिहा सित्ता की चार किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला अंसार से मोहब्बत हमें भी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।